प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं के विषय व्यवसायिक अध्ययन में आपका स्वागत है। अभी पिछले कालखंड में हमने जाना था अध्याय 1 के बारे में, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य अध्याय के अंतर्गत हमने अध्ययन किया आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, उनके अंतर के बारे में जाना था, दोनों के बीच में अंतर को देखा था, साथ ही आर्थिक क्रियाओं के प्रकार कौन कौन से हैं ये हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। और इसी के साथ हमने व्यवसाय का अर्थ, व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय को जाना, व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में जाना था, और साथ ही व्यवसाय के जो प्रमुख अंग हैं वाणिज्य एवं उद्योग संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी हैं इनके बारे में हमने विस्तार से जाना था। और अब हम अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं और पेशा एवं रोजगार से क्या आशय है एवं व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है इसके बारे में हम जानेंगे। सर्वप्रथम पेशा, प्रोफेशन। सामान्य तौर पर हम पेशे के बारे में जो जानते हैं कि एक पेशेवर व्यक्ति वो होता है जो अपने विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट अनुभव, विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट डिग्री के द्वारा अपने ज्ञान का उपयोग करता है। तो इस प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि पेशे से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित विशिष्ट ज्ञान से है जिसका उपयोग अन्य लोगों को परामर्श देने, सलाह देने, निर्देशित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। जैसे सामान्य तौर पर हम देखते हैं हमारे आसपास जो भी पेशेवर लोग हैं, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, शिक्षक हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, अकाउंटेंट एक्सपर्ट हो गए, प्रबंध से संबंधित सलाहकार हो गए, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियर्स हो गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखते हैं कि बहुत सारे पेशेवर व्यक्ति जो हैं वो अपने विशिष्ट ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। स्प्रिगल ने कहा है पेशेवर व्यक्ति वह है जो केवल व्यक्तियों से व्यवहार करता है और अपने निजी चातुर्य अथवा सेवा का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर करता है। इस प्रकार पेशे का अभिप्राय उन क्रियाओं से होता है जिनको करने के लिए विशेष प्रकार के शिक्षण, प्रशिक्षण और योग्यता की आवश्यकता होती है। अर्थात एक पेशेवर वही व्यक्ति हो सकता है जो शिक्षित हो, जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और उस पेशे से संबंधित उसके पास आवश्यक योग्यता हो। यहाँ हम देखेंगे विशेषताएं क्या हैं। इसकी पहली विशेषता है विशिष्ट ज्ञान। तो जैसा कि आवश्यक है पेशे के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय पूंजी की या तो आवश्यकता नहीं होती है या फिर कम आवश्यकता होती है। सेकंड है प्रशिक्षण। पेशा जो है वो क्रमबद्ध एवं संचित ज्ञान पर आधारित होता है, अतः इसके लिए बौद्धिक तथा औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक पेशेवर व्यक्ति को अपने विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ प्रशिक्षित होना भी आवश्यक है। तीसरा है दूसरों का हित। पेशेवर व्यक्ति जो है वो अपने चातुर्य और विशिष्ट ज्ञान से हमेशा दूसरों के हित के लिए ही काम करता है, ना कि केवल स्वयं के हित के लिए। जैसे डॉक्टर क्या करता है, मरीजों का इलाज करता है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। तो ये जो है पेशेवर व्यक्ति की या पेशे की विशेषताएं। इसके बाद अगले क्रम में हम चलते हैं रोजगार या सेवा, एम्प्लॉयमेंट और सर्विस। रोजगार क्या है या सेवा क्या है। एक व्यक्ति रोजगार में उस समय संलग्न माना जाता है जब किसी अनुबंध के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए वेतन या पारिश्रमिक पर कार्य करता है। इस प्रकार से रोजगार से आशय उन धंधों से है जिनमें लोग अनुबंध के अंतर्गत नियमित रूप से किसी व्यक्ति के अधीन कार्य करते हैं और बदले में वेतन या पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर जो नियोक्ता होता है, जो मालिक होता है,
वो अपने द्वारा नियुक्त कर्मचारी से कार्य कराता है और उसको वह वेतन प्रदान करता है। तो यहाँ वह व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वे कहलाते हैं कर्मचारी। इस प्रकार से जो लोग कारखाने में काम करते हैं और मजदूरी या वेतन प्राप्त करते हैं वह कारखाने के स्वामी के रोजगार में लगे हुए तथा कारखाने के कर्मचारी कहलाते हैं। इसी प्रकार से विभिन्न कार्यालयीन जो है कार्यालय हो गए, जैसे बैंक हो गया, बीमा कंपनियां हो गई, या सरकारी विभाग में कार्य करने वाले मैनेजर हो गए, क्लर्क या चपरासी, ये सभी संगठनों के कर्मचारी कहलाते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पेशेवर लोग भी नौकरी कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर अस्पताल में नौकरी करता है, शिक्षक स्कूल में भी नौकरी करता है, और इस स्थिति में उन्हें रोजगार के वर्ग में गिना जाएगा। उदाहरण के लिए एक कंपनी द्वारा अपने लेखे एवं अंकेक्षण को देखने के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूर्णकालिक नियुक्ति करके उसके कार्य को रोजगार का रूप दे देगा। तो इस प्रकार से एक कर्मचारी जो अपने नियोक्ता के आदेश पर काम करता है उससे वेतन प्राप्त करता है, तो यहाँ पर कर्मचारी द्वारा किया जाने वाला कार्य जो है वो रोजगार के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रोजगार की विशेषताएं, प्रमुख विशेषता है पहली संबंध। रोजगार में नौकरी देने वाला व्यक्ति या संस्था अर्थात नियोक्ता तथा नौकरी करने वाला अर्थात कर्मचारी का संबंध होता है। इस प्रकार से दोनों के बीच में नौकरी देने वाला नियोक्ता नौकरी करने वाला कर्मचारी, इनके बीच में आपस में मालिक और कर्मचारी या नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध होता है। दूसरा है पारिश्रमिक। रोजगार के अंतर्गत जो भी कर्मचारी कार्यालय में या कारखाने में कार्य करते हैं उन्हें निर्धारित अवधि का वेतन या मजदूरी कार्य के अनुसार समय के अनुसार प्रदान की जाती है। तृतीय है अनुबंध। अनुबंध मतलब यहाँ पर समझौता। रोजगार में नियोक्ता व कर्मचारी के मध्य मौखिक अथवा लिखित सेवा अनुबंध या समझौता होता है। इस संबंध में कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में रोजगार की शर्तें, जैसे कि कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाएगा, कर्मचारी के कार्य दिवस कितने होंगे, साथ ही कर्मचारी दिन भर में कितने घंटे कार्य करेगा, कर्मचारी को अवकाश किस किस प्रकार के दिए जाएंगे, इन सब बातों का उल्लेख अनुबंध में या समझौते में किया जाता है। रोजगार की अगली विशेषता है पूंजी। रोजगार हेतु पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति की जो सेल्फ व्यक्तिगत उसकी शैक्षणिक योग्यता है, जो उसका स्वयं का प्रशिक्षण प्राप्त है, उसकी स्वयं की कार्य कुशलता है, यही पूंजी मानी जाती है। अर्थात कर्मचारी जो है पूंजी का रूप उसकी स्वयं की योग्यता, उसका प्रशिक्षण, उसकी कार्यकुशलता है। तो यहाँ पर कर्मचारी को अपनी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जोखिम। रोजगार में जोखिम तत्व का अभाव होता है, क्योंकि वेतन निश्चित एवं नियमित प्राप्त होता है। यहाँ पर कर्मचारी को जो कार्य दिया जाता है उसी निर्धारित कार्य को वो करता है और उसी निर्धारित कार्य का वो वेतन प्राप्त करता है। तो यहाँ पर रोजगार में जोखिम कम होता है। अगला है अहस्तांतरणीय। रोजगार हेतु कर्मचारी द्वारा निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण उसके लिए आवश्यक है, अतः इसका हस्तांतरण संभव नहीं होता। अर्थात नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को जो कार्य दिया गया है वो कर्मचारी अपने कार्य को या अपनी रोजगार को किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं कर सकता। जो कार्य उसको करना है कर्मचारी को, वो उसको स्वयं करना होता है। यहाँ हम देखेंगे थोड़ा विस्तार से व्यवसाय पेशे और रोजगार में अंतर। व्यवसाय और पेशा और रोजगार, तो सबसे पहले देखते हैं हम विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर। व्यवसाय करने के लिए विशिष्ट ज्ञान एवं किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर कोई व्यवसाय करने वाले को कोई विशेष ज्ञान की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी कोई निर्धारित नहीं है कि इतनी ही योग्यता होनी ही चाहिए।
पेशे में यदि हम देखें तो पेशे में विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट प्रशिक्षण, योग्यता का होना आवश्यक है। इसी प्रकार से रोजगार में भी मालिक के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा जो भी निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है उसकी आवश्यकता होती है। तो यहाँ हम देखते हैं विशिष्ट ज्ञान एवं योग्यता में, व्यवसाय में जो है विशिष्ट ज्ञान योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, पेशे में विशिष्ट ज्ञान योग्यता की आवश्यकता है, और रोजगार में जो है नियोक्ता के द्वारा जो निर्धारित योग्यता तय की गई है वो होना आवश्यक है। दूसरा बिंदु है स्थापना का तरीका। व्यवसाय में जो व्यवसाय करने वाला है वो स्वयं निर्णय लेकर वैज्ञानिक औपचारिकताएं पूरी करके व्यवसाय की स्थापना कर सकता है। वहीं पेशे में पेशे के लिए उस पेशे की संस्था या संघ की सदस्यता तथा प्रैक्टिस करने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जिस प्रकार से एक डॉक्टर के लिए उसका एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है तभी वो अपनी प्रैक्टिस प्रारंभ कर सकता है। रोजगार में नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी को नियुक्ति पत्र दिया जाता है जो कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में एक सेवा अनुबंध का रूप होता है। पूंजी लगाने की बात करें, पूंजी विनियोग व्यवसाय में, व्यवसाय जितना आकार है, जो उसका क्षेत्र है, उसके अनुसार पूंजी की आवश्यकता होती है। पेशे में सामान्य तौर पर सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। जैसे यदि डॉक्टर है तो उसको अपने क्लिनिक की स्थापना करना है तो एक निर्धारित मात्रा में उसको पूंजी की आवश्यकता होती है। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि एक कर्मचारी की पूंजी क्या है, उसका विशिष्ट ज्ञान, उसका विशिष्ट प्रशिक्षण, उसकी कार्य कुशलता। तो यहाँ रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। अगला बिंदु है कार्य की प्रकृति। व्यवसाय का कार्य क्या है, उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करना। तो यहाँ पर व्यवसाय जो है उपभोक्ताओं को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। पेशे में पेशेवर व्यक्ति जो है अपनी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता है। जिस प्रकार से इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान करता है, वहीं रोजगार में व्यक्ति सेवा के नियम व सेवा के अनुबंध के अनुसार कार्य करता है। नियोक्ता के द्वारा जो कार्य दिया गया है वही उस कार्य को करता है। अब यहाँ पर हम प्रतिफल प्राप्ति की बात करते हैं तो व्यवसाय में एक व्यवसायी को प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, लाभ। व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। पेशे में पेशेवर व्यक्ति को अपनी सेवाएं देने के बदले में उसको फीस प्राप्त होती है। जबकि रोजगार में जो व्यक्ति, जो कर्मचारी रोजगार में लगे हुए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनको मजदूरी या वेतन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने विस्तृत रूप से अंतर के आधार पर जाना कि व्यवसाय, पेशे।